तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बचपन में इस कहावत को बड़े चाव से सुना करते थे। जरा सोचिए, कभी आपने भी किसी शुभ काम में तीन रुपए का प्रयोग किया है या प्रयोग होते देखा? क्योंकि बचपन से ही हम एक भ्रांति को सुनते आए हैं कि तीन एक बहुत ही नेगेटिव नंबर है, लेकिन इस वीडियो में हम तीन जैसे एक नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव नंबर बना देंगे। क्योंकि आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। जी हाँ, अगले 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए कौन सी हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स। नमस्कार, मैं हूँ मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं Z Funds, जहाँ है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Z Funds, जहाँ आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हाँ, 10 फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में आप कर सकते हैं डेली SIP और शुरू कर सकते हैं ये SIP 100 रुपए से। जी हाँ, प्रतिदिन की 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं अपनी निवेश की जर्नी। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश। आज ही Z Funds ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म है, यानी 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो कुछ सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए ढूंढे गए हैं और इस वीडियो में हम आपको उन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। पहले बात करते हैं 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन क्यों क्रिटिकल है। 3 साल यानी लगभग 1100 दिन का इन्वेस्टमेंट होराइजन इज लॉन्ग टर्म इनफ फॉर योर इन्फ्लेशन टू इरोड योर प्रिंसिपल, यानी इस दौरान महंगाई आपके पैसे को कम कर सकती है, बट इट इज नॉट लॉन्ग टर्म इनफ फॉर यू टू प्ले आउट द वॉलेटिलिटी। देखिए, बाजार के उतार चढ़ाव 3 साल में कई बार पैसे को इरोड कर देते हैं, तो 3 साल एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होराइजन हो जाता है। ये इतना लंबा तो है कि इन्फ्लेशन आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करे, पर इतना लंबा भी नहीं है कि आप वॉलेटिलिटी को मैनेज कर सकें। तो फिर क्या इन्वेस्टमेंट्स की जाएं, कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाए कि ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आपको ऑप्टिमम और आपकी पसंद के रिटर्न्स आएं। हर इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए अलग अलग कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स सूटेबल होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की और उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए सूटेबल हैं, और बताएंगे इन कैटेगरीज में कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले जिस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की कैटेगरी। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी वो फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, बैंक डिपॉजिट्स में और गोल्ड में, यानी मल्टीपल एसेट क्लासेस में एक्सपोजर देती है ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम। जी हाँ, आप एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से इक्विटीज में भी, यानी शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बैंक में FD भी कर सकते हैं, और आप गोल्ड यानी सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की कैटेगरी में जो हमने म्यूचुअल फंड स्कीम आइडेंटिफाई करी है वो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। 30,650 करोड़, जी हाँ, ओवर 30,000 करोड़ के AUM की स्कीम का NFO अक्टूबर 2002 में आया था, यानी ये स्कीम 21 साल पुरानी है। अपनी इंसेप्शन से आज तक, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर 21 ईयर्स, स्कीम ने 21.30%, जी हाँ, 21% की सालाना दर से रिटर्न्स दिए हैं अपने NFO इन्वेस्टर्स को। आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में डेली SIP कर सकते हैं, जी हाँ, और आप ये SIP शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। Z Funds पे आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में डेली SIP कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन की, तो आइए देखें इस स्कीम का पिछले 3 सालों का रिटर्न। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 3 सालों में सालाना 23.42 की दर से रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल पहले अगर आपने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपए की एक मंथली SIP की होती, तो आज आपके इन्वेस्टेड 1,80,000 की वैल्यू होती 2,62,000 रुपए। 1,80,000 इज टुडे वर्थ 2,62,000 रुपीज, यानी 82,000 रुपीज का प्रॉफिट। चलिए अब बात करते हैं दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम की जो है हमारे हिसाब से ऑप्टिमम 3 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका पहले नाम HDFC इक्विटी फंड हुआ करता था, भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एक है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM है लगभग 46,000 करोड़। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का NFO आया था जनवरी 1995 में। सिंस 1995 अपने NFO इन्वेस्टर्स को इस स्कीम ने 18.91 लगभग 19% का सालाना रिटर्न दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड प्योर इक्विटी फंड है, यानी इसमें लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। प्राइमरीली ये फंड लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करता है। आइए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के पिछले 3 साल के रिटर्न्स जान लेते हैं। इस स्कीम ने पिछले 3 सालों में 26.36 26.36 की दर से सालाना रिटर्न दिया है।
यदि आपने स्कीम में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP शुरू की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 1,80,000 की वैल्यू होती तकरीबन 2,76,000 रुपए, यानी 96,000 रुपीज का गेन। अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो इस फंड पे बनाया गया हमारा डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन फॉर एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 3 ईयर्स इज HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अब ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या हुआ? बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हुआ वो फंड जो है हाइब्रिड कैटेगरी का फंड, यानी फंड मैनेजर शेयर बाजार और फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं। जब बाजार हो जाता है महंगा तो फंड मैनेजर्स प्रॉफिट बुक करके पैसा डाल देते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, और जब बाजार होता है सस्ता तो फंड मैनेजर्स फिक्स्ड इनकम से पैसा निकाल कर डाल देते हैं इक्विटी में। फरवरी 1994 में लॉन्च हुए इस फंड का आज AUM है लगभग 73,000 करोड़। इस फंड ने अपने NFO इन्वेस्टर्स को 18.46 लगभग 18.5% के दर से सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड में भी आप मात्र 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डेली SIP कर सकते हैं और ये SIP हो सकती है 100 रुपए की। बात करें अगर इस फंड के पिछले 3 सालों के रिटर्न्स के, तो HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है 24.09% के रेट से सालाना रिटर्न। यदि आपने HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 3 साल पहले एक 5,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 1,80,000 की वैल्यू होती 2,65,000 रुपए, 1.8 लाख वुड बी 2.65 लाख रुपीज, यानी 85,000 रुपीज का प्रॉफिट। अगर आप HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो स्कीम पर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक पाएंगे आप इस वीडियो के एंड में, वो वीडियो देखना ना भूलें। अब हमने इन फंड्स की बात तो कर ली, आइए देखें इन फंड्स की सेक्टोरल होल्डिंग्स, क्योंकि ये सेक्टोरल होल्डिंग्स ही बताएंगी कि आने वाले 3 सालों में किस तरह के रिटर्न्स देंगे ये तीनों फंड्स। आप इस ग्राफिक में ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का इक्विटी एलोकेशन देख सकते हैं। इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है 15.26%, 12.76% एलोकेशन है एनर्जी सेक्टर में और 4.8% एक्सपोजर है ऑटो सेक्टर में। बात करें अगर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की तो इस फंड ने 31.26% एलोकेशन दिया हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज में, 12.21% एलोकेशन है हेल्थ केयर में और 9.77% एलोकेशन है टेक्नोलॉजी की कंपनीज में। और बात करें HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के इक्विटी एलोकेशन की तो 19.75% एक्सपोजर है फाइनेंशियल सर्विसेज में, लगभग 10% का एक्सपोजर है एनर्जी सेक्टर में और 4.41% का एक्सपोजर है मटेरियल्स एंड एसोसिएटेड सेक्टर्स में। ये वो सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में भारत में तेजी से ग्रो करेंगे। इन सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो हो रही, कोई वजह नहीं है कि ये फंड इस ग्रोथ को कैप्चर नहीं करेंगे और आने वाले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स नहीं देंगे। कितना एलोकेशन हो इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपका? क्या आपका कोई और इन्वेस्टमेंट होराइजन है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम सही है? यदि हाँ तो आज ही Z Funds ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने डेडिकेटेड Z Fund एक्सपर्ट से। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं SIP के माध्यम से और लमसम, और SIP कर सकते हैं आप डेली, तो देर किस बात की। आज ही Z Funds ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी। Z Funds, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।